उसको देखते हुए कुछ जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक बात कही थी, कम ग्रोथ रेट को देखते हुए उन्होंने इसे हिंदू ग्रोथ रेट की संज्ञा दी थी। मुझे लगता है अगर उन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया होता या अपने स्वयं के स्वत्व में झांकने का प्रयास किया होता तो संभवतः कम ग्रोथ रेट को वे हिंदू ग्रोथ रेट से संबोधित नहीं करते। अगर दुनिया के अंदर, अगर हम दुनिया के इतिहास को बहुत दूर नहीं, जो आज का ज्ञात इतिहास दुनिया का है और जो आज के जितने भी अपने आप को आधुनिक दुनिया के निर्माता कहने की हामी भरते हैं, उन लोगों की बातों को ही माने और दुनिया के विगत 2000 वर्षों के इतिहास को आप देखेंगे तो पहले आधे भाग में, यानी पहले 1000 वर्ष का इतिहास अगर आप देखेंगे, मैं उससे पहले नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे पहले दुनिया में अन्य लोगों के पास अपने लिए कुछ भी बताने के लिए नहीं है। हमारे पास तो बहुत कुछ है, हजारों वर्षों की एक समृद्ध विरासत हमारे पास है। हमारे पास वेदों की परंपरा है, हमारे पास रामायण काल की परंपरा है, हमारे पास उपनिषद काल की परंपरा है, महाभारत कालीन परंपरा है और भारत की वह परंपरा भी जब समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने भारत को दुनिया में एक स्वर्ण युग की शुरुआत करके भारत के उस कालखंड का भी एहसास कराया है जिसने एक लंबे समय तक दुनिया के अंदर न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से अपितु आर्थिक रूप से भी भारत की समृद्धि का एहसास कराया है। लेकिन मुगलों के हमले के पहले पूरी दुनिया के अंदर, जिसे आप हिंदू इकोनॉमिक फोरम के रूप में संबोधित कर रहे हैं, यह ताकत दुनिया की कुल ताकत की, कुल आर्थिक ताकत की 1/3 से अधिक हिस्से की भागीदार थी और इसका योगदान दुनिया के अंदर 36% से अधिक था। मुगलों के बाद अंग्रेजों, उनके पतन और अंग्रेजों के आगमन तक या घटकर के 20% तक आया और जो लोग अंग्रेजों को भी बहुत महान मानते हैं उन्होंने भारत की इस ताकत को कहां पहुंचाया था, केवल 4% तक पहुंचा दिया था। यानी जो वर्ल्ड ट्रेड का भारत का शेयर था वह अंग्रेजों के यहां से विदा होने तक केवल 4% तक सीमित रह गया था। अब आप अनुमान कर सकते हैं जब कोई जाति, जब कोई समुदाय अपने स्वयं के स्वत्व को खो देता है, अपने सम्मान को खो देता है, अपने स्वयं के अस्तित्व के साथ जूझ रहा होता है, उसे अपने पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो वह इस प्रकार के अंधकार में भटक करके अपने स्वयं के अस्तित्व से जूझता हुआ दिखाई देता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हुआ। हमने धर्म कहा, लोगों ने धर्म निरपेक्ष को जोड़ दिया। हमने संस्कृत कहा, लोगों ने कहा नहीं ये उर्दू है। हमने हिंदी कहा, लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो अलग अलग भाषाएं हैं, कहीं मराठी कह दिया, कहीं तमिल कह दिया, कहीं पर राजस्थानी कह दिया, कहीं पर भोजपुरी कह दिया, कहीं पर मलयालम कह दिया, कहीं पर किसी और रूप में बांटने का प्रयास हुआ। हमने एक राष्ट्र की बात की तो हमें कह दिया गया नहीं ये तो बहुराष्ट्र है, अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं। इस ताकत को कमजोर करने का प्रयास हुआ और वो संकीर्णताएं जो जगह जगह उभरती गई, हम उसके पीछे अपने स्वार्थ ढूंढते गए। याद करिए विगत 5 वर्षों के अंदर भारत के अंदर जो परिवर्तन हुआ है और दुनिया के अंदर जो बदलाव देखने को मिला है। अभी इस वर्ष ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं
और इस वर्ष मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर तीन बड़े आयोजन करने के अवसर प्राप्त हुए। एक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ। प्रयागराज कुंभ का आयोजन, हमारे यहां कोई धार्मिक आयोजन करने का मतलब क्या होता था? लोग मानते थे कुंभ का मतलब जहां भगदड़ हो, जहां अव्यवस्था हो, जहां अराजकता हो, जहां पर चीटिंग हो, जहां गंदगी हो। हमारी सरकार मार्च 2017 में आई थी, जब जून 2017 में मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भेंट की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए मैंने उनसे समय मांगा, तो उन्होंने मुझे साथ उन्होंने कहा कि देखिए योगी जी, 2019 के प्रारंभ में कुंभ का आयोजन होगा यूपी में, और कैसे हो सकता है, कैसा आप जो इस हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे लोगों ने जिस प्रकार की बातें लगा दी गई हैं, जो धब्बे हम पर लगा दिए गए, क्या हम उससे अपने इन पर्व और त्योहारों को उभार पाएंगे? मैंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया, अपनी पूरी टीम को जिम्मेदारी दी। मैंने कहा भी दुनिया की एक यूनिक इवेंट के रूप में कुंभ को प्रस्तुत करना है। कैसे होगा? समय हमारे पास कम था, जब मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठा, उन्होंने कहा साहब जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं इसके लिए 5 साल चाहिए, हमारे पास तो एक ही साल है। मैंने कहा लेकिन एक साल के अंदर ही इस कार्य को करना है। और मित्रों, आप में से जो भी प्रयागराज कुंभ में गया होगा उसने इस बात को देखा होगा, प्रयागराज कुंभ में इस वर्ष 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच 24,56,00,000 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में कुंभ में संगम के तट पर डुबकी लगाई थी। चौबीस करोड़ छप्पन लाख लोग जिस आयोजन में आए हों, वो आयोजन किसी भी प्रकार के दुर्घटना से मुक्त था, कोई भगदड़ नहीं थी, कोई अराजकता नहीं थी, कोई अव्यवस्था नहीं थी, कोई गंदगी भी नहीं थी, कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं थी जहां पर लोग कह सकते हों कि वास्तव में हम लोगों ने उस आयोजन को उस रूप में जोड़ने का प्रयास किया। हां, हमने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे, क्यों करते हैं, ये तो परंपरा के विरुद्ध है। मैंने कहा परंपरा के विरुद्ध होता तो स्वामी जी का नाम विज्ञानानंद नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना ही ये वास्तव में हिंदू परंपरा है। एक साथ मिल करके हम जब एक साथ उसको लेकर के चलते हैं, वही हमारी परंपरा है। हमने उसको कभी भी अपने आप से अलग नहीं किया है। हमने क्या सुरक्षा के लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए, एक एक गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए। मैं जानता था, क्योंकि जब मैं आयोजन की तैयारी कर रहा था लोग मुझे डराते थे कि क्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों की विरासत में कुंभ की ब्रांडिंग के लिए मैंने लोगो बनाया, लोग कह रहे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा देखने दीजिए, करने दीजिए, थोड़ा इसके पीछे इसको फॉलो कर लीजिए। हमने लोगो बनाया, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला कुंभ है। बहुत सारे लोगों ने तमाम टिप्पणी की, लोगों ने हाथों हाथ लिया, वैश्विक स्तर पर इसे पहुंचाना है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से संपर्क किया। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी मिशन भारत के अंदर हैं, इन सब के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स एक बार प्रयागराज कुंभ में आए। पहली बार 72 देशों के एम्बेसडर और उनके हाई कमिश्नर प्रयागराज गए, उन्होंने अपने अपने देशों की ध्वजा वहां पर स्थापित की। प्रधानमंत्री जी ने कहा थोड़ा एक प्रयास और हो सकता है क्या कि 193 देश जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों के
वहां के मूल नागरिकों को इस कुंभ में आमंत्रित किया जाए। 187 देशों के लोग आए थे प्रयागराज कुंभ में, और भारत के अंदर 6 लाख गांव हैं। हमने निमंत्रण भेजे, जब मैं निमंत्रण भेज रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि चुनाव के ठीक पहले ये कर रहे हो, क्या बवाल पाल रहे हो, ये कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने कहा चिंता मत करिए, नियत साफ होनी चाहिए, बाकी ईश्वर अपने आप मदद करता है। और आप आश्चर्य करेंगे, 6 लाख लोग, 6 लाख गांव से भी प्रतिनिधित्व प्रयागराज कुंभ में हुआ। भारत के अंदर हर उपासना विधि को हमने आमंत्रित किया, उनको स्थान दिया, जगह दिया, कुंभ का विस्तार किया, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, उपयोग किया, और इसका परिणाम था कुंभ एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रयागराज की धरती से हुआ। लेकिन उससे पहले मैंने इस चीज को भी जरूर किया, मैंने कहा भी अपने स्वत्व का एहसास भी कराना चाहिए, तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया। हमने कहा यह होना जरूर है। मित्रों, उस सत्य का एहसास हम सबको होना चाहिए, और वह इसी दौरान हमें एक आयोजन करने का अवसर मिला था, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। यह भी हम लोगों ने दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में किया। अगर मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो उस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में काशी का अपना महत्व है। और जब मुझसे कहा गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कहां होगा, क्या उत्तर प्रदेश कर पाएगा चुनाव के ठीक पहले, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। लोग मानते थे कि हम लोग लखनऊ में करेंगे, मैंने कहा नहीं, लखनऊ तो हमारे प्रदेश की राजधानी है, और दुनिया का जो भी हमारा अप्रवासी भारतीय या भारतवंशी परिवार आएगा वो उत्तर प्रदेश की राजधानी को देखने के लिए नहीं, वो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को और अपनी आध्यात्मिक राजधानी को देखने के लिए आएगा। हम काशी में करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए सहमति दी कि हां काशी में होना चाहिए, लेकिन काशी में आयोजन हो, होटल कहां से इतने आएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरे होटल है ही नहीं काशी में, इतने कहां रुकेंगे लोग। मैंने कहा धर्मशालाओं में रुकेंगे, अरे बाहर से आने वाला व्यक्ति धर्मशाला में रुकेगा। मैंने कहा टेंट सिटी बसाएंगे, टेंट सिटी में रुकेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, काशी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, अब तक के सभी 15 के 15 प्रवासी भारतीय दिवस में काशी में आयोजित 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सबसे सफलतम आयोजन रहा है अब तक का। 7,500 अप्रवासी भारतीय और भारतवंशियों ने इस आयोजन में भागीदारी की। उन्हें हम काशी में भी ले गए, काशी से उन्हें फिर हमें ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्हें प्रयागराज कुंभ में भी लेके गए, और फिर वहां से हमने रिपब्लिक डे की परेड में दिल्ली लेकर के आए। एक 3 आयोजनों के साथ एक साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के माध्यम से, जो पूरी दुनिया से लगभग 76 देशों से उस आयोजन में प्रतिनिधि आए थे। तीसरा आयोजन पूरे देश के अंदर था, लोकसभा का सामान्य निर्वाचन, देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी थी। 1,63,000 वोट पर हमारे यहां चुनाव होने थे, लोग बड़े आशंकित थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने कहा कुछ नहीं होने वाला, जो होगा बहुत अच्छा होगा, और अच्छा हुआ। 1,63,000 बूथ में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं भी रिपोलिंग की नौबत नहीं आई, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू सिर चढ़ करके बोला, भारतीय जनता पार्टी 80 में से 64 सीट उत्तर प्रदेश से जीत करके लेकर के भी आ गई। एक सकारात्मक सोच एक अभियान को एक नई ऊंचाई दे सकता है, और जैसे
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कॉरपोरेट जगत को रिवेट देकर के दुनिया के अंदर निवेश के लिए सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत सरकार ने स्थापित किया है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। बहुत कुछ है हमारे पास। सच है कि आज से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा थी। हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, व्यापक अराजकता थी, गुंडागर्दी माफिया राज चरम पर था, लोग उत्तर प्रदेश का नाम डर लेने से ही डरते थे। उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो अपनी पहचान छुपाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा हुआ है। आज पहचान का संकट न उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने है। करप्शन और क्राइम के मुद्दे पर पहले दिन से ही हमने जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई, आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश की है। हमने निवेश से जुड़े भी जितने भी निवेश फ्रेंडली अपनी पॉलिसी हो सकती थी उन फोकस सेक्टर्स की उतनी पॉलिसी अपनी बना करके व्यापक निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। लेकिन जो पोटेंशियल हमारे पास था उसका भी भरपूर इस्तेमाल किया। जैसे प्रयागराज कुंभ था, हमने भरपूर इस्तेमाल किया, दुनिया आई, देश भी आया, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ जुड़ा। अयोध्या जाने से लोग डरते थे, यानी उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री बनता था वो दो जगह जाने से डरता था, एक अयोध्या जाने से डरता था और दूसरा नोएडा जाने से डरता था। अयोध्या जाने से इसलिए डरता था कि कहीं उसके सेकुलरिज्म पर आंच ना आ जाए, और नोएडा जाने से इसलिए डरता था कहीं उसकी कुर्सी पर आंच ना आ जाए। लेकिन मैं दोनों जगह गया, भरपूर गया हूं। पिछले 2.5 वर्ष में मैंने दोनों जगह की 10-10 यात्राएं की हैं। अयोध्या के विकास को हमने आगे बढ़ाया है, खूब आगे बढ़ाया है। अयोध्या किसकी पहचान दी है और अब मैं कह सकता हूं नाम अयोध्या है। स्वामी जी अयोध्या की यहां पर व्याख्या कर रहे थे, अयोध्या के बारे में बता रहे थे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अयोध्या सचमुच अब अयोध्या हो गया। अयोध्या के नाम पर अब कोई युद्ध नहीं होने वाला है। अब अयोध्या अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। अयोध्या ने विकास के साथ साथ अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को एक नई ऊंचाइयां दी हैं और दीपोत्सव के आयोजन को इसी रूप में जोड़ करके हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम सब जानते हैं दीपावली का आयोजन देश के अंदर क्यों मनाया जाता था। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम दीपावली मनाते हैं। मैं गोरखपुर से 5 बार सांसद था। मैं वहां पर कुछ वनवासी क्षेत्रों में कार्य करता था। कुछ गांव मैंने गोद ले रखे थे, उन्हीं बच्चों के बीच में मैं कार्य करता था और दीपावली भी मैं उन्हीं के साथ मनाता था। आप याद करिए उत्तर प्रदेश के बारे में, आप देखेंगे हमारे 54 ऐसे गांव थे उत्तर प्रदेश में जिन्हें आजादी के बाद भी वोटिंग राइट नहीं मिल पाई थी, कोई सुविधा सरकार के स्तर पर नहीं मिली थी। उनमें से ये गांव भी थे जिन्हें मैंने स्वयं गोद लिया था। सरकार बनी, मैंने उन सबको राजस्व गांव के रूप में दर्जा देकर के सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, उनके लिए सड़क, उनके लिए बिजली, उनके लिए पानी, उनके लिए आवास, उनके लिए राशन की सुविधा, उनके लिए पेंशन की सुविधा, उनके लिए चिकित्सा की सुविधा, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो जब मेरे पास हमारे अधिकारीगण आए, उन्होंने कहा साहब दीपावली के दिन हम सब आपको विश करने के लिए आना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं दीपावली के दिन लखनऊ में नहीं रहूंगा क्योंकि मैं उन वनवासी बच्चों के बीच में रहता हूं जिन बच्चों को पिछले 12-15 वर्षों से मैं जिनके बीच में जिनकी पढ़ाई जिनकी व्यवस्था सारी व्यवस्था मैं स्वयं संचालित करता हूं, तो मुझे उन्हीं के बीच रहना है। लेकिन मेरे मन में एक बात आई, मैंने अपने गोएसडी से और अपने
एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, मैंने कहा यार एक बात मुझे बताओ, दीपावली का आयोजन अयोध्या से जुड़ा है, अयोध्या में दीपावली कैसे मनाई जाती है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताना। ये लोग गए, इन्होंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ नहीं, सामान्य है, कोई मतलब नहीं। मैंने फिर भेजा, मैंने कहा क्या इन लोगों से पूछो कि वहां जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि लोग हम आयोजन के साथ पूरे अयोध्या को जोड़ना चाहते हैं, लोग इसके साथ जुड़ेंगे। लोगों ने कहा कि ये लोग गए, सबने हामी भरी। मैंने कहा तैयारी करो, दीपावली के एक दिन पहले हम भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या के साथ करेंगे, और भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम वही, उसको जोड़िए त्रेता युग की उस घटना से, हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ जोड़िए। जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या में उतर रहे हो, मां जानकी के साथ में, अपने भाई लक्ष्मण के साथ में, उस रूप में उन स्मृतियों को ताजा करिए। और फिर वह प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह दृश्य कितना जीवंत था, मुझे लगता है कि इतने मेरे पास फोन आए, इतने मेल आए, इतने लोगों ने मुझे इसके लिए बधाई दी। जब वो हजारों लोग, पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश टूट पड़ा था इस दृश्य को देखने के लिए, कि वास्तव में कितना जीवंत दृश्य है अयोध्या का, और पूरी अयोध्या दीपों से, दीपोत्सव से जगमगा रही थी। ये अयोध्या को एक नई पहचान देने की प्रक्रिया का हिस्सा हमारा था, और आज अयोध्या तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास टूरिज्म के लिए अयोध्या भी हमारे पास है, काशी हमारे पास है, मथुरा ब्रजभूमि पूरी हमारे पास है, चित्रकूट हमारे पास है, विंध्यवासिनी धाम हमारे पास है, मां पाटेश्वरी का धाम हमारे पास है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सभी स्थल उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सब कुछ तो हमारे पास मौजूद है। सबसे अच्छी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब हमारी सरकार आई थी कनेक्टिविटी में समस्याएं थी। आज हमारे पास 2 एक्सप्रेसवे वर्तमान में चल रहे हैं, फंक्शन में हैं, 3 पे हम कार्य कर रहे हैं, एक पे कार्य प्रारंभ हो चुका है, एक पे हम कार्य 2 महीने के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं, और एक दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक हम बनाने जा रहे हैं, अगले वर्ष की शुरुआत में हम उस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कनेक्टिविटी की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश की के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। जितने भी हमारे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी थे, इन सबको 4 लेन से जोड़ने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हर जिला मुख्यालयों को, हमारे पास 75 जिले हैं, उन सभी 75 जनपदों को 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को भी 4 लेन और 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर हम इसी एक्सप्रेसवे पे बना रहे जा रहे हैं, जिसके 6 नोड प्रधानमंत्री जी ने तय किए, 1 चित्रकूट, झांसी, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ और कानपुर। पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक हमारे पास, हमने उसकी पॉलिसी तैयार की है, और अभी फरवरी 2020 में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस एक्सपो करने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों ने अभी से भाग लेने की अपनी सहमति व्यक्त की है। मेरा मानना है कि बड़ा निवेश इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर मूर्त रूप लेकर के न केवल देश की रक्षा उत्पादन की क्षमता को, मेक इन इंडिया की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को साकार करेगा, अभी तो रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी एक बड़ी भूमिका इस क्षेत्र की होगी। अपार संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और मेरा मानना है कि इन अपार संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोग बहुत कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर कर सकते हैं।
बहुत कुछ वहां पे किया जा सकता है। प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा, दुनिया के अंदर सबसे फर्टाइल लैंड अगर आपको कहीं मिलेगी तो गंगा और यमुना, गंगा मैया और यमुना मैया का जो दुआब का क्षेत्र है ना, किसान एक बार ऐसे छिटकता है अपना बीज और लहलहाती हुई फसल सामने आती है। प्रचुर मात्रा में जल संसाधन, एयर कनेक्टिविटी, 2017 मार्च 2017 में हमारे केवल दो शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए थे। हमने थोड़ा सा प्रयास किया, बहुत नहीं किया, थोड़ा सा प्रयास किया और आज स्थिति क्या है, 6 सिटी हमारे एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं और 6 सिटी देश और दुनिया के 55 शहरों से जुड़े हैं। 11 नए एयरपोर्ट पर हमारे कार्य चल रहे हैं वर्तमान में और 2 इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित कर रही है। मेट्रो, हम आए थे तब तक हमारी कोई सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की 3 सिटी हमारी 2.5 वर्ष के अंदर मेट्रो से जुड़ चुकी है, लखनऊ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा। वर्षों से बंद पड़ी सिंचाई की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, काम ही नहीं होता था। हमने विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी से सिंचाई की एक योजना का लोकार्पण करवाया, बाण सागर परियोजना, ये मिर्जापुर और प्रयागराज के लगभग 1,72,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की क्षमता उपलब्ध कराती है। योजना नीति आयोग, ये योजना आयोग ने कब बनाई थी, 1973 में। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था 1978 में, लेकिन 1978 के बाद से लेकर के 2017 तक इस पर कार्य ही नहीं हो पाया और जैसे हम आए हम लोगों ने इस पर कार्य प्रारंभ किया, 1 वर्ष में योजना पूरी कराई और आज एक बड़ा भूभाग सिंचाई की सुविधा उससे प्राप्त कर रहा है। जितनी भी ऐसी योजनाएं थी, किसानों के लिए हो, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी जो अनेक योजनाएं हमने तय की, जितना वहां पे निवेश प्रारंभ हुआ है विगत 2 वर्ष के दौरान, सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई है, सबसे बड़ी फैक्ट्री उनकी यूपी के अंदर लगी है, रिलायंस जियो, इंफोकॉम ने, अडानी पावर ने, इंफोसिस ने, पेटीएम ने, बीबो मोबाइल ने, ओपो मोबाइल ने, पेप्सिको, आईटीसी, यानी जितनी शीर्ष कंपनियां हैं व्यापक निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर की हैं या कर रही हैं। ये बातें इस बात को बताती हैं कि ये व्यापक संभावनाएं थी। मुझे याद है मैं मुंबई मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरा 3रा विजिट है, बहुत कम मैं उत्तर प्रदेश से निकल पाता हूं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से मैंने 6 माह का अपना कार्यकाल पूरा किया था, मैंने अपने मित्रों से कहा था कि भाई मुझे बात बताओ कि उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को, क्योंकि नौकरी हम इतनी नहीं दे सकते, हमने पिछले 2.5 वर्ष के अंदर 2,25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन हमने कहा व्यापक रोजगार और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें अन्य फील्ड को भी तलाश करनी चाहिए और उसके लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, उस प्रकार की पॉलिसी, सेक्टर फोकस सेक्टर की पॉलिसीज बना करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। तो मेरे मंत्री, मेरे अधिकारीगण ये सब मेरे पास आए, इन्होंने कहा हम इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई बताओ कितने का, क्या तैयारी कर के। इन्होंने कहा हम लोग चाहते हैं इस प्रकार का एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो। मैंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट उसमें करने की आपने प्रस्ताव रखा है, क्या आपकी तैयारी है। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ का। तो मैंने कहा नाम बदल दो, नाम ग्लोबल मत रखो, उसका नाम यूपी इन्वेस्टर समिट रखो। और यूपी इन्वेस्टर समिट में भी जो लोअर लिमिट होगी वह केवल 2 लाख करोड़ की होगी, 2 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ोगे तो करना, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठे रहना।
इन सब पे पसीने छोड़ रहे थे। अरे इतना पैसा कहां से आएगा, कौन यूपी में आएगा? मैंने कहा निवेश के लिए कानून का राज चाहिए, वो हमने दिया है। करप्शन फ्री व्यवस्था चाहिए, वो हमने दिया है। और हम निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करने जा रहे हैं। आप चिंता मत करना, दुनिया का और देश का हर बड़ा निवेशक यूपी में आएगा। जो पोटेंशियल हमारे पास है, ये उत्तर प्रदेश है। अब तक हम पर प्रश्न लगते थे, अब हम उसका उत्तर दे रहे हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे पास है, यही यूपी है। और इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए हमारा इन्वेस्टर समिट होगा। और याद करना, उन्होंने कहा लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा तैयारी करिए, कुछ रोड शो करिए, जाइए बताइए अपने जितने भी अपनी पॉलिसी है, अपनी नीतियों के बारे में लोगों को बताइए। ये लोग गए, पहले में गए 7,000 करोड़ का प्रस्ताव मिला, दूसरे में गए 10,000 करोड़ का मिला। मैंने देखा ये हिम्मत हारने, मैंने कहा तीसरे में मैं आऊंगा। तो इन्होंने मुंबई में ही रखा, मैं इसी मुंबई में आया था। और जब मुंबई में मैं आया तो एक ही दिन में हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था इसी मुंबई में। और मित्रों, जब हम लोगों ने अपना इन्वेस्टर समिट किया तो हमें 5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 लाख करोड़ के प्रस्ताव को हम अब तक धरातल पर, वास्तविक धरातल पर उतार चुके हैं। ये पार जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ आज देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने, जब मैं काशी में था 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में, दुनिया से आए सभी प्रवासी भारतीयों के साथ जब मेरे संवाद हो रहे थे, क्योंकि मुझे 4 दिन वहां रुकना था, तो 4 दिन क्या करूं, तो मैंने सभी अलग अलग क्षेत्र देशों से आए हुए जो डेलीगेशन थे, मैंने कहा इनके साथ बैठूंगा अलग अलग समय में। तो मैं जिससे भी पूछता था कि भाई क्या स्थिति है, क्या है, तो उन्होंने कहा साहब देखिए बहुत अच्छी स्थिति पैदा हुई है। लोग मुझसे पूछते थे एक बात को लेकर के कि क्या होने जा रहा है भारत में, चुनाव होने जा रहे हैं, मीडिया कुछ और कह रही है। मैंने कहा देखो मीडिया क्या कह रही है आप उस पर विश्वास मत करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के हृदय सम्राट बन चुके हैं, आम जन के आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति के रूप में लोग उन्हें अपने हीरो के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें प्रधानमंत्री बनने से दोबारा रोक नहीं पाएगी, आप इस बात को मुझसे नोट करके ले लें। लेकिन मुझे बताओ दुनिया में क्या है? उन्होंने कहा साहब बहुत सीन बदला है। पहले हम लोग कहीं किसी मिशन में जाते थे, लोगों वहां पर अगर परिचय देते थे कि हम भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो हमारे प्रति लोगों का दृष्टिकोण दूसरा होता था। और आज जब हम कहीं जाते हैं तो लोग सहसा उनके मुंह से निकलता, अच्छा इंडिया, मोदी के इंडिया से हैं आप, ये जो भाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं भारत की, और भारत को जो पहचान, जो सम्मान, जो एक नई ऊंचाई उन्होंने दी, इन ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य आज आप सबके लिए, सबके जिम्मे है। और हिंदू इकोनॉमिक फोरम भारत की इस उभरती हुई आर्थिक ताकत का आधार बने। हमारी ताकत दुनिया के अंदर कभी भी किसी के सत्व को जबरन हरने का नहीं रहा है, कभी नहीं रहा है। हमारा भाव तो एक ही रहा है कि काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम, यानी सर्वे भुंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। सबके सुख की कामना, सबकी निरोगता की कामना, यह हमारी आर्थिक संबलता का आधार बन सकता है, बना है, बना रहना चाहिए। और उस भाव के साथ आप सब बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, आपने किया है, कर रहे हैं,
देश और दुनिया के अंदर आपने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करिए। आज उभरते हुए इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की और हिंदू इकोनॉमिक फोरम की इस ताकत का एहसास आप सबको कराना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा स्वामी विज्ञानानंद जी को, जिन्होंने इस एक परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।